हेलो, तो हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। तो जी हाँ, थंबनेल देखकर आपको पता लगी होगा। तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो जी हाँ, आज बिग बॉस में नहीं, कल बिग बॉस में नहीं, परसों बिग बॉस में एक यूट्यूबर और एक्स टिकटॉकर की एंट्री हुई है। चेक कर खब्बे हाथ रोली, चेक कर चेक कर गब्बरू दी बोली, चेक कर चेक कर अख जो तू लहर, चेक कर चेक कर किथे किथे लहर। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री में एल्विस यादव और अशिका भाटिया आए हैं, जो पेशे से एक्स टिकटॉकर और इंस्टाग्राम क्रिएटर हैं, जो क्रिंज रील्स बनाती हैं। तो जी हाँ, ये घर किसका है जिनमें इन लोगों की एंट्री हुई है? बिग बॉस का। तो लड़ो लड़ो कुत्तों की तरह। अभी एल्विस यादव को एक दिन भी नहीं हुआ बिग बॉस के अंदर आते हुए, पर टीवी एक्टर्स लड़ो, इन यूट्यूबर्स के साथ लड़ो। इनको ये लगता है कि अगर हम इन लोगों से लड़ेंगे तो हमें टीआरपी, वोटिंग और फैन फॉलोइंग और कूल बॉय बनके हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। पर इन लोगों को ये भी नहीं पता, इन लोगों को बाहर का कोई कुत्ता भी नहीं जानता। चलिए, मैं तो बोलता ही रहूंगा और भौंकता ही रहूंगा, तो शुरू करते हैं आज का धंधा। घर में बर्तन धोने वाले की जरूरत है सलमान खान के फैंस के लिए? एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर देंगे। नहीं, एल्विस है तो बहुत बड़ा हरामी, जो इसने पहले बिग बॉस के बारे में जो भी उल्टा सीधा बोला था, सल्लू भाई के बारे में उल्टा सीधा बोला था, जो बका था और जो भौंका था और जो हगा था, उसने सब कुछ लीड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल से। क्योंकि ये सबको पता है, एल्विस यादव को भी पता है, अगर बिग बॉस के अंदर जाना है तो सल्लू भाई के पैर भी चाटने पड़ेंगे और छाती के बाल भी। क्योंकि ये बिग बॉस को भी पता कि बिग बॉस के अंदर सलमान भाई को किसी ने उल्टा सीधा बोला तो वो बिग बॉस क्या, बिग बॉस के घर की शक्ल भी नहीं देख सकता। सिस्टम है भाई। बबी कहीं पता चला, जब आपकी कोई इंसल्ट करता है और जब आपकी कोई इज्जत नहीं करता वो कितनी चुभती है। पर नहीं, ये तो बकवास, लिंडीबाज, बेवकूफ और चिंदी चोर और देश की टट्टी। अरे बात कर भाई, पागल करके पीछा छोड़ दे। टीवी एक्टर्स हैं जिनको शर्म कहाँ आती है। हाँ, ये शर्म बेच नहीं खाते, जब ये हगने जाते हैं ना तब ये कुछ निकाल के आए चाहे ना आए, पर शर्म जरूर निकाल के आते हैं पोटी के साथ। नहीं देखो कैसे हाथ मिलाने के लिए जा रही है एल्विस यादव से। अरे दीदी, ऐसे वोट नहीं मिलती, ऐसे लोगों से जूते और गालियां मिलती हैं। आना आना, मैं यार तू मेरे को पहले दिन से क्यों नहीं मिला यार एल्विस मेरे को। हाँ, अगर ये तुझे पहले दिन मिल जाता, नहीं तो घर के अंदर नहीं, बिग बॉस के गेट के सामने भी ना दिखती। पहले ही हफ्ते तो बिग बॉस के घर के बाहर हो जाती, नहीं पहले ही दिन बिग बॉस से बाहर हो जाती। क्या है, क्या ये टैटू? एक्सप्लेन करो ना। अरे टैटू ऐसे ही है, गलती से लिखा गया। एल्विस हाँ, बात बात में सिस्टम सिस्टम करता रहता है। तो ये दीदी पूछ रही है, तो ये बीबी का आंटी पूछ रही है, सिस्टम होता क्या है? सिस्टम देखो, सिस्टम सिस्टम होता है। देखो ये मैं नहीं कह रहा, ये एल्विस यादव खुद कह रहा है, सिस्टम सिस्टम होता है। ए, हमने ना सिस्टम बनाया, सिस्टम का मतलब होता है कि सिस्टम सिस्टम। देखो अगर कोई इंसान कुछ शब्द बोलता है और वो शब्द वायरल हो जाता है तो उसके पीछे मतलब होता है ना, पर इसके पीछे मतलब नहीं, सिस्टम सिस्टम होता है। सिस्टम सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। तू अभी आया है तो क्या हो गया? हाँ, तो तुमने यहाँ क्या पाड़ लिया पिछले 27 दिन में? नहीं बस करवाली बेइज्जती नहीं, बेइज्जती तो उनकी होती रहती है 2400 घंटे, हर हफ्ते, हर दिन, हर घंटे, हर हर मिनट, हर सेकंड, हर रोज इनकी बेइज्जती होती है। इनके लिए बेइज्जती कोई नई बात नहीं है, ये तो बेइज्जती आती रहती है, जाती रहती है। ये तो इनके रिश्तेदार की तरह है, ये तो इनके चाचा फूफा की तरह है, जो आएगी हर हफ्ते और जाएगी हर हफ्ते, फिर आएगी हर हफ्ते और फिर हफ्ते जाएगी। तू अभी आया है तो क्या हो गया? हाँ, तो तुमने यहाँ क्या पाड़ लिया पिछले 27 दिन में? नहीं देखो एल्विस भाई, इसने 27 दिन में इतना कुछ उखाड़ लिया, इतना कुछ उखाड़ लिया, इतना तो आपने 27 साल की उम्र में अपने घर में कुछ नहीं उखाड़ा होगा। सुबह चाय का गिलास पीना, बिस्तर पे सोना, सोफे पे भौंकना और आखिरी बात जो सबसे जरूरी बात है, पूरा दिन मुंह से हगना। हम तो अपना काम कर रहे हैं, चुगली कर रहा था ना वहाँ पे। हमारा सिस्टम है भाई, क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे हैं, करोगे सिस्टम हमारे साथ? क्या सिस्टम है? नहीं समझ आता तो सिस्टम तो बोल रहे हैं, मुंह से बोल क्लियरली, नहीं आता मत बोल, नहीं आता मत बोल, फिर बात मत कर दे सामने, बताएगा क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या बोलना नहीं, मेरे बारे में बोलना है ना, मेरे बारे में बोल, पार्ट लेके पार्ट लेना, तेरे बारे में बोलू चाहे 10 आदमी के बारे में बोलू, मेरा पार्ट लेके है तो मेरे मेरे बोल, मैं इधर खड़ा हूं ले, ठीक है? अरे अगर तेरे मुंह पे कुछ बोलना पड़ गया ना तो तेरे माँ बाप, तेरी वाइफ, तेरे बच्चों को सब कुछ बंद करना पड़ जाएगा, कान भी, नाक भी, मुंह भी और जो सारी गुफाएं खुली हुई है वो भी,
और जो बातें चलेंगी 18+ वाली गालियां होंगी और 69 वाली पोजीशन वाली बातें होंगी। अरे तेरे मम्मी पापा की अविनाश अभी धार्मिक चैनल और धार्मिक जगह पे घूमने वाली उम्र है, उसमें तो बिग बॉस मत दिखा अपने माँ बाप को। जब उन्होंने ये बातें सुन भी ली तब उनको सदमा नहीं चक्कर नहीं, उनको पीजीआई दाखिल करवाना पड़ जाएगा। तो चलो बस यार आज का सिस्टम हम खत्म करते हैं, बंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलें और बाकी वीडियोस चेक करना ना भूलें। देखो वीडियो आती रहेगी जबरदस्त जबरदस्त, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।